ये जो इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये इंटरनेट की सबसे वायरल इमेजेस में से एक है। इंटरनेट पे इस सांप के बहुत सारे इमेजेस पाए जा सकते हैं, पर क्या ये इमेज रियल है? आज मैं आपको इस इमेज की सच्चाई बताऊंगा। आज मैं इस इमेज का पर्दाफाश करने वाला हूँ। आज मैं आपके सामने इस इमेज की पोल खोलने वाला हूँ। तो क्या ये इमेज रियल है या फिर फेक? मैं हूँ हॉक सेंटर फैक्ट टेक, यानी अफवाहों को क्लियर करने वाला फैक्ट टेक, और आज मैं आपको रेड सी के जायंट स्नेक के बारे में बताने वाला हूँ। सो लेट्स एक्सप्लोर द पिक्चर ऑफ ए जायंट स्नेक कॉट इन द रेड सी। ये इमेज पहली बार साल 2012 में इंटरनेट के अलग अलग वेबसाइट्स में पब्लिश की गई थी, और इस सांप के टॉपिक पे कई रिपोर्ट्स भी पब्लिश की गई थी। कहानियां क्या बताती है वो सुन लीजिए। खबरों के हिसाब से इस सांप ने 2012 में रेड सी के सामने 300 से भी ज्यादा टूरिस्ट्स और 125 डाइवर्स को मार डाला था। जब ये खबर वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट्स को पता चला, तब उन्होंने एक स्पेशल टीम की मदद से इस सांप को खोजकर मार डाला। खबर ये कहती है कि साइंटिस्ट्स और डाइवर्स की स्पेशल टीम बनाई गई थी, और कई दिनों बाद आखिर में ये सांप पकड़ा गया। इंटरनेट की रिपोर्ट्स में कई साइंटिस्ट्स और डाइवर्स के नाम भी पब्लिश किए गए थे, जैसे डॉक्टर करीम, डॉक्टर शरीफ और मिस्टर सी। अगर ये बात सही है, अगर ये इमेज रियल है, तो इस इमेज से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। जो स्टोरीज पब्लिश हुई थी उसके हिसाब से इस सांप को रेड सी में पाया गया था। उन खबरों के अनुसार ये सांप 100 फीट से भी ज्यादा लंबा था। उस न्यूज के हिसाब से इस सांप की एज करीब 100 साल है। ऐसी कई पिक्चर्स इंटरनेट पे बड़ी तेजी से फैल रही थी। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट कैरियर में इस सांप को लादा गया है। इंटरनेट पे कुछ ऐसे ही बहुत सारे लो क्वालिटी इमेजेस अपलोड हुई जो बड़ी आश्चर्यजनक थी। इस इमेज को देखिए। इस इमेज में उस सांप के ऊपर एक टैंक लदा हुआ है। पर ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई। इसके पहले भी कई बार इंटरनेट पे कुछ ऐसी ही न्यूज को पब्लिश किया गया था। ये जो इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इसे बेल्जियन हेलीकॉप्टर पायलट रेमी वैन लेड ने खींचा था 1959 में, जब ये करीब 500 फीट के ऊंचाई से कांगो के ऊपर से जब ये अपनी हेलीकॉप्टर में गुजर रहे थे, तब इन्होंने इस सांप को देखा था और तुरंत इन्होंने उस सांप का फोटो खींच लिया। इस इमेज की इंस्पेक्शन से ये पता चला कि ये सांप करीब 200 फीट लंबा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब ये सांप को और करीब से देखने के लिए इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को नीचे किया, तब इस सांप ने हेलीकॉप्टर पे अटैक करने की कोशिश की। तो ये तो हो गई उससे रिलेटेड दूसरी क्लेम्स। पर क्या ये ट्रक पे लदा हुआ स्नेक असली है? आंसर है हाँ, ये पूरी तरह से असली है, और मैं 100% श्योर हूँ। पर नकली क्या है आपको पता है? नकली है ये सोल्जर्स और ये ट्रक। जब आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे, तब आपको दिखेगा कि ये तो प्लास्टिक के खिलौने हैं। आप में से कुछ लोगों ने तो इसे पहली ग्लैंस में ही स्पॉट कर लिया होगा। मतलब ये सांप तो असली है, पर इसे नकली टॉयज पर लादा गया है। ये एक बहुत ही चालाक ग्रुप का काम है। मतलब वो साइंटिस्ट का नाम और वो रिपोर्ट ये हॉक्स टीम ने पोस्ट किया था। इस फोटो को ऐसी जगह से खींचा गया था कि ये लगता है कि ये असली है, पर ये बिल्कुल फेक है। पर आखिर ये असली क्यों लगता है? इसे पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। जैसे आप इस इमेज को देखिए, ये पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन का एक अच्छा उदाहरण है। जब मैंने ऐसी न्यूज को पढ़ा और इस फोटो को देखा, तो मैं भी पूरी तरह से चौंक गया था। पर जब मैंने इसके ऊपर और रिसर्च किया, तब मुझे इसकी असलियत का पता चला। और मेरे इस वीडियो का मकसद भी आप लोगों को असलियत बताना है। इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, कुछ ऑफिशियल होते हैं और कुछ अनऑफिशियल। अगर विकिपीडिया की माने तो दुनिया का सबसे बड़ा सांप रेटिक्यूलेटेड पाइथन है, जिसकी लंबाई 30 फीट से भी ज्यादा होती है, और ये सांप 33 से 35 फीट तक भी ग्रो कर सकता है। अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की माने, इस दुनिया का सबसे लंबा सांप एक पाइथन है, जिसका उन्होंने नाम रखा है मेड्यूसा। अगर पाइथन की हम बात करें, तो पाइथन की एवरेज लाइफ
20 से 25 साल होती है। कुछ पाइथन्स 25 से 30 साल भी जी लेते हैं। तो अभी मैंने जो बताया वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। फेसबुक, व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडियाज पे जो इमेजेस पोस्ट किए जाते हैं उस पर पहली ग्लैंस में आप बिल्कुल भी यकीन मत करना। अगर आपको इंटरनेट या सोशल मीडिया में ऐसी कोई भी इमेज मिले तो आप मुझे फेसबुक पे भेज सकते हो। हम लोग मिल के रिसर्च करेंगे और वो पर्टिकुलर इमेज रियल है कि नहीं इस पर रिसर्च करेंगे। मैं ऐसे ही इंटरनेट के अफवाहों को क्लियर करता रहता हूँ। पिछली हॉक्स हंटर वीडियो में मैंने ये क्लियर किया था कि कोई एलियन धरती पर नहीं आ रहा, और इस वीडियो में मैंने आज ये क्लियर कर दिया कि ये इमेज बिल्कुल फेक है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हर दो दिन के बाद अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन के बगल वाले घंटे को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप फैक्टेक के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक, ट्विटर और गूगल प्लस को फॉलो जरूर कीजिए ताकि हम लोग आपस में हमेशा कनेक्टेड रहें। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।